तो डाल्टनगंज विधानसभा क्षेत्र के चैनपुर के कोसियारा गांव के एक बूथ पर बीजेपी प्रत्याशी आलोक चौरसिया के समर्थकों ने कांग्रेस प्रत्याशी के एन त्रिपाठी को अपने इलाके में बूथ पर जाने से रोक लिया और विरोध किया उनका। इस दौरान केएन त्रिपाठी पर जानलेवा हमले का प्रयास भी किया गया और उनकी गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इस मामले को लेकर केएन त्रिपाठी ने निर्वाचन आयोग के चैनपुर के कई बूथों पर मतदान रद्द करने की मांग की है, पर मांग करने के बाद भी जिला प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद वो डीसी के पास पहुंचे और 6 बूथ को कैंसिल कराने की मांग रख दी। लूटा जा रहा था, मैंने एसपी को फोन किया, एसपी साहब को बोला कि बूथ लूटा जा रहा है, आप उसको रोकिए। फोर्स आए, वहाँ से कोसियारा गया मैं। जैसे ही कोसियारा बूथ देखने जाने लगा, करीब 200-300 लोग जो बूथ पर जमा थे घेर लिया, बोला आप नहीं जा सकते हैं। हम बोले कि हमको डरवाओ मत, मेरा अधिकार है, मेरा अधिकार तुम नहीं रोक सकते। बोला कि नहीं, माँ बहन गाली देने लगा। फिर हम बोले कि नहीं, तुम डरवाओ मत, हम नहीं डर सकते, तुम गलत ये मत सोचो कि डरा करके तुम बूथ लूट लोगे। इसके बाद पीछे से मारने लगा, एक आदमी एक मुक्का मारा पीछे से, एक आदमी कमर में मारा, एक आदमी पेट में मारा, फिर मैंने पिस्टल निकाला हाथ में ऊपर किया, मतलब खबरदार कोई हमला मत करो करके हम आगे चले। पीछे से इतना बड़ा बड़ा बोल्डर मारने लगा, गाड़ी पक वहीं मार करके थेपूच दिया गाड़ी को। हमारा बॉडीगार्ड उनको चार्ज किया, रोक के रखा, वो पीछे पीछे यहाँ मेन रोड तक वो लोग पीछे से सैकड़ों लोग आए मारने के लिए। और यहाँ से आने के बाद फिर उस गाड़ी पे जो गाड़ी थी उस गाड़ी को मार करके थेपूच दिया। फिर हम बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठ के भागने लगे, बुलेट प्रूफ गाड़ी को मारा, चारों तरफ से तोड़ दिया, वो गाड़ी को तोड़ दिया। एक आदमी आ गया लेकर के, उसको हम लोग टांग के लेके आ गए, पकड़ करके पुलिस के हवाले करेंगे। फिर वहाँ से सैकड़ों लोग बाइक से चारों तरफ से घेर लिया। अभी वहाँ कोल्हुआ में घेर करके हमला फिर करना शुरू किया वहाँ, तो वहाँ पर अभी मारपीट हो रहा है कोल्हुआ वासियों में और उन लोगों में। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संपादक कुंदन कृतज्ञ हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुंदन कृतज्ञ, यहाँ पे जिस तरीके से हमले का प्रयास किया गया है केएन त्रिपाठी पर, उसके बाद यहाँ पर उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस पर? देखिए, आपको बता दें, ये मामला सुबह तकरीबन 9:30 बजे का है, जिस समय कांग्रेस और महागठबंधन के प्रत्याशी केएन त्रिपाठी मतदान के दौरान विभिन्न बूथों का निरीक्षण कर रहे थे और तमाम जगह मतदान सुचारू रूप से चल रहा है या नहीं चल रहा है यह बात सुनिश्चित करना चाहते थे। और किसी भी प्रत्याशी का यह अधिकार होता है और चुनाव आयोग उसे इस बात की इजाजत देता है। और इसी क्रम में वो हम कोसियारा के बूथ पर पहुंचे थे, जहां पर विरोधी दल भारतीय जनता पार्टी के आलोक चौरसिया के समर्थकों ने उनका विरोध किया और उन्हें उनके साथ मारपीट करने की कोशिश की। और आप जैसा विजुअल्स में देख रही होंगी कंचन, की उनकी गाड़ी को साथ तोड़फोड़ किया गया है और केएन त्रिपाठी की यह एक बुलेट प्रूफ गाड़ी है जिसके साथ तोड़फोड़ की गई है और उनके साथ जितने सुरक्षाकर्मी थे उनके ऊपर पथराव किया गया है और उसके बाद आत्मरक्षा में उन्होंने पिस्टल निकाला है। और इन तमाम घटना के बाद जब वह जिला निर्वाची पदाधिकारी और उपायुक्त शांतनु कुमार अग्रहरी के पास इस बात की शिकायत करने पहुंचे हैं, तो पिस्टल लहराने के मामले में, आत्मरक्षा में पिस्टल निकालने के मामले में उन्हें वहां हिरासत में लिया गया है और हिरासत में लेकर पिस्टल के कागजातों की जाँच की जा रही है। क्योंकि चुनाव के क्रम में यह चुनाव आयोग के द्वारा निर्देश होता है कि जितने लोगों के पास सेल्फ लाइसेंसी पिस्टल है या राइफल है उसे जमा करा दिया जाए आग्नेयास्त्र केंद्रों में। लेकिन किन परिस्थितियों में और किसके इजाजत से यह काम केंद्र त्रिपाठी ने नहीं किया था, यह जांच का विषय है और प्रशासन और चुनाव आयोग इस बात की जांच कर रहा है। और इसकी सूचना रांची में स्थित चुनाव नियंत्रण कक्ष तक दी जा चुकी है और इस संबंध में केंद्र त्रिपाठी से पूछताछ की जा रही है। और उधर केंद्र त्रिपाठी ने विपक्षी उम्मीदवार पर आरोप लगाते हुए लगभग 6 मतदान केंद्रों पर पुनः मतदान के लिए चुनाव आयोग से शिकायत की है। आरोप लगाया है कि वहां पर आलोक चौरसिया के द्वारा, उनके समर्थकों के द्वारा मतदाताओं को भड़काया जा रहा था और उनसे मतदान कराया जा रहा था विशेष तरीके से प्रभावित करते हुए। तो इन सब आरोप प्रत्यारोपों के बीच में अभी भी केंद्र पार्टी से जांच और पूछताछ जारी है। कंचन, जो जांच की जा रही है उनसे जो जानकारी ली जा रही है, क्या पूछताछ में अभी किसी तरीके की जानकारी निकल पाई है केंद्र पार्टी की तरफ से? देखिए, अभी इसमें पूछताछ में उनसे बस यही होगा कि उन्होंने जो पिस्टल निकाला था आत्मरक्षा के लिए उसका लाइसेंस किसके नाम से है और किन परिस्थितियों में यह केएन त्रिपाठी के साथ मौजूद था। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि चुनाव के पहले जैसे ही चुनाव की अधिसूचना जारी होती है चुनाव आयोग के द्वारा और स्थानीय थाने के द्वारा जितने लोगों को लाइसेंस निर्गत किया जाता है उन्हें यह इस बात का आदेश और इस बात की सूचना
कि अपने नजदीकी आग्नेयास्त्र केंद्रों में वह अपने लाइसेंसी रिवाल्वर पिस्टल या राइफल को जमा करा दें जिसका भी लाइसेंस उन्होंने ले रखा है और उसकी प्राप्ति सुपुर्दगी रसीद प्राप्त कर लें। इन परिस्थितियों में यह माना जाता है कि किसी भी व्यक्ति के पास आत्मरक्षा के लिए किसी भी प्रकार का हथियार नहीं होता है, लेकिन केंद्र त्रिपाठी ने जिस तरीके से आत्मरक्षा में ही सही वह हथियार निकाला है तो क्या उन्होंने चुनाव आयोग से इस बात की इजाजत ली थी? अगर इजाजत ली थी तो वह इजाजत पत्र कहाँ है? और अगर इजाजत पत्र नहीं था तो फिर यह एक दूसरा मामला निकलता हुआ सामने आ रहा है। तो अभी यह तो चुनाव आयोग और तमाम कागजातों के जाँच के बाद ही निर्भर करेगा कि मामला क्या निकल कर आता है, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार के कागजात केंद्र त्रिपाठी के द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। लेकिन आपको एक बात और बता दूं कंचन, कि केंद्र त्रिपाठी खुद एक फौज से रिटायर्ड व्यक्ति हैं तो उन्हें इन तमाम मामलों की भली भांति जानकारी होगी और कहीं भी इग्नोरेंस या जानकारी के अभाव में उन्होंने यह काम नहीं किया होगा कि आत्मरक्षा में पिस्टल लेकर वह मतदान केंद्रों तक घूम रहे हों। तो इन परिस्थितियों में यह देखना है कि केंद्र त्रिपाठी के पास क्या सही में इजाजत पत्र था चुनाव आयोग का और चुनाव आयोग के इजाजत के साथ वह इनके साथ घूम रहे थे या बिना इजाजत के वह आग्नेय को लेकर मतदान के क्रम में विभिन्न बूथों का निरीक्षण कर रहे थे। कंचन, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो संपादक कुंदन कृतज्ञ पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ते बढ़ते अगली खबर की ओर।